कैंडी अपना सफाई वाला काम करते हुए ये सोच रहा था कि प्रोफेसर पार्क अपना फोन पीछे छोड़ के क्यों गए। क्या उसे ये पता था कि उसे ट्रैक किया जा रहा है, लेकिन उसने सिर्फ अपना फोन ही पीछे क्यों छोड़ा? शायद उसने ये जानबूझ के किया होगा ताकि हमें उसका फोन मिल जाए। तभी वो किसी के फुटस्टेप्स की आवाज सुनता है और वो फाइट के लिए रेडी हो गया, लेकिन वो तो बस एक स्टूडेंट थी। तो फिर कैंडी नाटक करने लगा कि मैं तो बस एक कीड़ा भगा रहा था। इस लड़की का नाम मीना है। एक बार कैंडी ने उसे सीढ़ियों से गिरने से बचाया था। उस वक्त वो बहुत ही शौक में थी, इसलिए उसने प्रॉपरली कैंडी का शुक्रिया अदा नहीं किया था। तो वो अभी कैंडी को एक कॉफी देती है और उससे डिनर के लिए भी पूछती है। उन्होंने काफी स्टूडेंट्स के बीच में पॉपुलर हो गया है और वो उससे इन्फॉर्मेशन निकालता है, और उसने कैंडी से भी कहा था कि तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए, लेकिन कैंडी उन्हों जैसा नहीं करना चाहता। वो डिनर के लिए मना कर देता है और कहता है कि अगर तुम मुझे नेक्स्ट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस सर्वे में 5 स्टार दोगी तो ये मेरे लिए डिनर से भी ज्यादा कहलाएगा। सांगयू ने उन दोनों को ऐसे बातें करते हुए देख लिया। ये सांगयू और उसकी टीम हर एक क्लीनिंग एम्प्लॉयज को बुली करते हैं, इसलिए पहले कोई भी इस बिल्डिंग में सफाई करने नहीं आता था और अपनी जॉब छोड़ के चला जाता था। तो अभी सांगयू कैंडी के बारे में भी कहता है कि मैं उसे भी मजा चखाऊंगा। फिर कैंडी ने अच्छे से सारी सफाई कर ली और वो सोच रहा था कि मैं बॉस को जाके इसकी रिपोर्ट दे देता हूँ, लेकिन सांगयू ने कचरे के बैग पर पैर मार के पूरा कचरा फैला दिया और कहा कि ये मेरे रास्ते में आ रहा था। कैंडी कहता है कोई बात नहीं, मैं अभी वो सबको साफ कर लूंगा। कैंडी कुछ दिनों में यहाँ से जाने वाला है, तो वो चाहता है कि मैं अभी इन लोगों से पंगा नहीं लेना चाहता, लेकिन ये लोग तो कैंडी से पंगा लेना चाहते हैं। तो फिर कैंडी ने सोच लिया कि अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। कैंडी एक SS रैंक एजेंट है, वो आसानी से इन लोगों की जान भी ले सकता है, लेकिन अभी इन लोगों के सामने उसे खुद को रोकना पड़ेगा। उसने झाड़ू से उन तीनों की ऐसे पिटाई की जिसे झाड़ू भी ना टूटे और उन तीनों की हड्डियां भी ना टूटे और उन्हें सबक भी मिल जाए। कैंडी ये सारा मामला बहुत ही आसानी से संभाल लेता, लेकिन तभी हाजुन और युंजे वहाँ से गुजरे और वो देखते ही युंजे एकदम ही चौंक गया कि हे तुम लोग ये क्या कर रहे हो। वो भाग के उस ओर जाने लगा, लेकिन उसके पैर के आड़े कोई आ गया और उसके हाथ में एक बहुत ही बड़ी बुक थी, वो उसके हाथ से छूट गई। वो बुक सांगयू को लगने वाली थी, लेकिन वो कैंडी ने अपने ऊपर ले लिया और वो बेहोश हो गया। और जब उसे होश आया तब हाजुन उसके पास था। हाजुन बताता है कि तुम 10 मिनट से बेहोश थे, अभी मैं एम्बुलेंस बुला रहा हूँ। युंजे कैंडी से माफी मांगता है और वो उसके लिए आइस पैक ले आया। उस वक्त कैंडी ने युंजे के हाथ में एक स्कार देखा। कैंडी एक बार सीक्रेटली हाजुन की लैब में आया था, तब उसने हाजुन की फैमिली फोटो के पीछे एक दूसरी फोटो देखी थी जो हाजुन के बचपन की फोटो थी। उसमें हाजुन के साथ एक दूसरा लड़का भी था। उसका फेस तो ठीक से नहीं दिख रहा था, लेकिन उस लड़के के हाथ में एक स्कार था। इस बारे में तो मैं भूल ही गई थी कि ये पहले आ चुका है, तो इसीलिए ही हाजुन अपनी फैमिली फोटो को देख के ब्लश हो रहा था, क्योंकि उसकी फैमिली फोटो के पीछे युंजे की फोटो थी इसलिए। और अभी कैंडी ने युंजे के हाथ में वो स्कार देखा तो उसे पता चल गया कि वो युंजे था। उसे युंजे की कही हुई बात समझ में आ गई कि वो हाजुन से पहली बार हाई स्कूल में नहीं मिला था, उसे भी पहले मिला था।